हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पीडीएम का माजी की अहम इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर बागे जिना में पावर शो। जलसेगा में मरकजी कायदीन के लिए एक लंबा चौड़ा स्टेज बनाया गया, कुछ कुर्सियां खवातीन के लिए भी मुख्तस की गईं। जलसेगा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अख्तर मेंगल की बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल, जमीयत उलमा पाकिस्तान और प्रोफेसर साजिद मीर की मरकजी जमीयत अल हदीस के कारकुनान अपनी जमातों के झंडे उठाए नजर आए, मगर अक्सरियत जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान की नजर आई। पीडीएम के जलसों में भी और हमारे जमाती जलसों में भी, उन तमाम जलसों से बढ़कर माशाल्लाह ये जलसा है। इससे पता चलता है कि आवाम इस 3 साल दौर से इसके तंग आ गई है। उन्होंने हमेशा जो है पहले आगे आते हैं, फिर जब मैदान में निकलने का वक्त आता है तो उस वक्त वो पीछे हो जाते हैं। ये पीडीएम की क्यादत और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की क्यादत इस मुल्क के लिए, कुर्सी के लिए नहीं बल्कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए है, मुल्क की इज्जत और वकार के लिए सियासत कर रहे हैं, मुल्क के और गरीब मजदूरों की बात कर रहे हैं। 3 साल के अंदर आप खुद भी सोच लें कि उन 3 साल के अंदर उन्होंने जो अपने वायदे किए थे, जो बातें की थी, वो इस वक्त तक उनकी बातें बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान की अक्सरियत के बायस ये जलसा सियासी कम और मजहबी इज्तमा ज़्यादा लग रहा था, जबकि जलसे में मौजूद लोगों का कहना था पीटीआई ने जितने भी वादे किए सब झूठे निकले।